बहुत ही नेक थे आपके भैया और भाभी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बेचारी आपकी भतीजी की उम्र ही क्या थी, इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गई, बहुत दुख हुआ। मम्मा आप पीहू को क्यों छोड़ के चले गए, प्लीज वापस आ जाओ। अब्बू काका जरा देखना पीहू कहाँ है। जी पीहू बेटा। मुझे नहीं जाना। चलो बेटा। नहीं। चलो अंदर चलो, हाँ सूरज ढलने को है। पीहो बेटिया, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। पीहू बिटिया दरवाजा खोलो। देखो हम आपके लिए दूध लाए हैं। पीहू बिटिया तो शायद सो रही है, कोई बात नहीं। पीहू डरो मत, मैं तो आपकी मम्मा हूँ ना। हाँ मामा। हाँ मामा। लव यू मम्मा। अबू की बॉडी पे किसी जंगली जानवर के निशान लगते हैं मिस्टर अंकुर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाओ। पता नहीं ये सब कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब। अबू काका भैया भाभी के यहाँ कई सालों से काम कर रहे थे, उनके जाने के बाद आजकल में ही हमेशा के लिए वो अपने गांव जाने वाले थे, फिर ये सब हो गया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। पीहू याओ।
छुट्टी हो अपनी मासी और नाना को फोन करते रहना। पीहू, ये क्या है? बुआ, ये मम्मा है, ये मेरे साथ हमेशा रहेंगी। अब पीहू, मैं हूँ ना, और चाचा चाची भी साथ में हैं। अब तो पीहू को बहुत सारा दुलार मिलेगा। तो ठीक है अंगूर जी, आप भी निकलिए, क्योंकि इंदौर पहुंचने में 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। चेक फाइल, चलो लेट हो रहा है। आपको पता है ना कि मासी आपसे बहुत प्यार करती है। आप मासी को भूलोगे तो नहीं ना? कभी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पीहू, चलें? ध्यान रखना। ठीक है बासुकी जी, मैं निकलता हूँ। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। विश्वास नहीं होता पापा, बस 4 दिन पहले ही इस घर में दीदी, जीजू और पीहू की हंसी गूंजती थी, और आज इस घर में बस सन्नाटा है, कुछ नहीं। बेटा, होनी को कौन टाल सकता है आज तक? अब तो बस एक ही इच्छा है कि पीहू को इतना प्यार मिले कि वो अपने माता पिता के मौत के सपने से बाहर आ जाए। पीहू, ये आपका रूम है, कैसा लगा? चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है और सब लोग थक भी गए। ये आपकी वाटर बॉटल और ये लाइट का स्विच, लाइट ऑफ कर लोगी? हाँ चाची, मैं लाइट ऑफ कर लूंगी। ओके, गुड गर्ल, चलो गुड नाइट। गुड नाइट चाची। मम्मा, आप कहाँ चले गए? अब मेरे साथ कोई नहीं खेलता। आप कब आओगे मम्मा? मम्मा? पीहू, तुम चिंता मत करो, मैं हम दोनों के बीच के सारे कांटे हटाकर तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। आई लव यू मम्मा। वहां तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। चश्मा बेडरूम बेडरूम रखा है। पीहू को तो कुछ भी नहीं दिख रहा।
पीहू को तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या करें मेरे चश्मे के साथ? दो। सॉरी चाचा। मैंने जानबूझ के नहीं करा। सॉरी। कोई बात नहीं पीहू, एक काम करते हैं, तुम बाहर चलो, मैं होस पाइप लेके आता हूँ, ढेर सारी मस्ती करेंगे। जाओ मैं आ रहा हूं। इस पीहू की बच्ची को तो अब मैं मजा चखाता हूं। देना चाहता है ना, पानी के पाइप से तेज धार मार कर चोट पहुंचाना चाहता है ना। मैं सपना नहीं देख रहा था, डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गई थी, यही थी वो। क्या पकी जा रहे हो? उस हमारी के ऊपर थी। कोई नहीं है यहाँ, क्या पकी जा रहे हो? हमारी से मेरे ऊपर कूद गया है, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। भैया भैया मुझे भी लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये बेल अचानक इस पौधे से उगाई और इस पूरी दीवार को घेर लिया, थोड़ी अजीब है ये बेल। ये जंगली पौधा है, पीहू ले आई थी, ये फटाफट उग जाती है और पूरी जगह फैल जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इन्हें अभी इससे काट देती हूँ। पीछे हटो। अरे उसको हाथ मत लगाओ। बहुत सख्त है। इससे तो नहीं कटेगी, कुछ और लाना पड़ेगा। बेजान बेले हैं ये, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो। पीहू की बहुत याद आ रही है ना? मैंने तो सोचा था कि मैं पीहू को दीदी जैसा प्यार दूंगी, पर मैं तो उसे अपने साथ ही रख नहीं पाई। लेकिन उसके चाचा चाची सही कह रहे थे कि पीहू की पढ़ाई लिखाई और परवरिश शहर में ज्यादा अच्छे से हो पाएंगे। आप वैसे सोनू अब तक घर नहीं आया, हमेशा तो इस टाइम पर आ जाता है। उसके पापा उसे छोड़ने नहीं आए आज, मैं उसके घर पर देख कर आती हूँ। अंकुर जी कैसे? वकील साहब आइए आइए। आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे आप भूल गए, मैंने कहा था कि मैं एक दिन जरूर देखने आऊंगा कि आप पीहू का किस तरह से ख्याल रखते हैं। कहाँ है पीहू? अंदर कमरे में। हाँ 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 चलिए। ये है पीहू का कमरा।
हेलो पीहू बेटा। नमस्ते अंकल। आपको नहीं लगता कि एक बच्ची के रहने के हिसाब से ये कमरा ठीक नहीं? आप बाहर जाइए, मुझे पीयू से बात करें। जी सर। पीयू बेटा, आप यहाँ चाचा चाची के साथ खुश तो है ना? मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मम्मा भी है ना मेरे साथ। मम्मा? हाँ अंकल, आपके पीछे ही तो है। आप हैप्पी तो हो ना? हाँ। ओके बेटा, अगर आप हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी हूँ, ठीक है? मैं चलता हूँ। बैठिए। देखिए अंकुर जी, आप तो जानते ही हैं कि पीहू की कस्टडी जिसके पास भी होगी, आपके भाई की जायदाद उसी को मिलेगी। लेकिन ये पेपर्स मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास बच्ची को देने के लिए प्रॉपर सुविधा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पीहू की कस्टडी मैं किसी और को दे दूं। अरे वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको हमने पहले ही कहा था, हम वो लोग हैं जो मिल बांट के खाते हैं। अगर हमारा फायदा होगा तो आपका खुश होना तो बनता ही है। थैंक यू। माता जी, मैं यहाँ आपसे पूछने आई हूँ कि कहीं पीहू के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसा? वो हमारे पड़ोस में एक छोटा बच्चा है सोनू, उसकी भी माँ कुछ दिनों पहले ही गुजरी है, और तब से उसके पापा रोज उसे मेरे यहाँ पर छोड़कर काम पर जाते हैं, पर आज वो आए नहीं। तो मैं उनके घर गई और मैंने वहां देखा कि हे भगवान, ये सब क्या है? ये जंगली बेल कहां से आई? ये पौधा
इसे तो मैंने पहले कहीं देखा है। इस पौधे का रहस्य जानना पड़ेगा। और बिल्कुल ऐसा ही पौधा मैंने पीहू के हाथ में भी देखा था। मुझे पीहू के लिए बहुत डर लग रहा है माताजी। माताजी, वो सोनू के पापा की लाश, सोनू का वहां से गायब हो जाना, ये सब आम बातें नहीं हो सकती है। और अगर मैं किसी से ये सब भूत प्रेत की बातें करूंगी तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। मुझे पीहू की चिंता हो रही है। माताजी, प्लीज मुझे बताइए पीहू ठीक है ना, प्लीज बताइए ना। ये सब उस बेल पिशाचिनी ने किया है। उसी ने सोनू के पिता को मारा है और सोनू को भी अपने साथ ले गई है। वो तुम्हारी पीहू को भी अपने साथ ले जाएगी। ये तावीज बेल पिशाचिनी से तुम्हारी रक्षा करेगा। माताजी, मुझे और भी ताबीज चाहिए होंगे। पता नहीं उस बेल पिशाचनी से कितने लोगों की जान खतरे में है। जैक, पायल, जैक, पायल, कहाँ हो सब लोग? पायल, जैक, पायल। क्या हुआ? ये किसका सपना था? कुछ तो गड़बड़ है। इन जंगली बेलों का कुछ तो करना पड़ेगा। पीहू, ये क्या है मम्मा? इसे हमेशा अपने पास रखना। क्यों? क्योंकि जब तक ये आपके पास रहेगा हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। I love you, mama. आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बस अब ये परेशानी जड़ से खत्म। ऐसे क्या देख रही है चुईया सा मुंह बना के? बुआ, मुझे भी आपके जैसे मेकअप करना है। बकवास मत कर, जा अपने रूम में और जाके सो जा। मुझे भी लिपस्टिक चाहिए बुआ। समझ नहीं आ रहा तेरे। पीहू, पीहू लिपस्टिक वापस कर। पीहू लिपस्टिक वापस कर, लिपस्टिक महंगी है। अच्छा हुआ तेरे साथ। अब मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना, समझी? Mm-hmm.
पीहू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं उन सब बच्चों की माँ हूँ जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिलता। मैं कल तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। रात भर से घर नहीं आई है पायल, सुन रहे हो? बहुत सर पर चढ़ा कर रखा अपनी बहन को, कुछ हो जाए तो मुझे मत कहना। हेलो। हेलो मिस्टर अंकुर। हाँ जी। हाँ, मैं इंस्पेक्टर हरिओम बोल रहा हूँ। अबू शायद पीहू को मारना चाहता था, क्योंकि अबू की लाश के पास जो दूध मिला उसमें जहर था। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ठीक है। क्या हुआ? अबू काका पीहू को मारना चाहते थे। क्या इसका मतलब? अबू काका भाई की वसीयत के बारे में जानते थे कि अगर पीहू की कस्टडी से पहले पीहू की मौत हो जाए तो सारी जायदाद उन्हें ही मिलेगी। पीहू, पीहू कहाँ है? पीहू, पीहू कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस घर में रहने वाले लोगों की जान खतरे में है। जान खतरे? क्या बक रही हो तुम? जो भी उसके और पीहू के बीच में आएगा वो उसे मार देगी। अबू काका भी गए मम्मा के पास, बुआ भी गई मम्मा के पास, अब पीहू कैसे बचता है? मम्मा किसको ले जाए अपने साथ? कौन मार देगी? क्या बोले जा रही हो? पीहू की आवाज अंदर से। पीहू, एक मिनट सुनो तो। पीहू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब मासी आ गई है तुम्हारे पास। ये सब कैसे हो गया पर? पीहू, तुमने देखा ये सब किसने किया बेटा? हाँ, मम्मा ने किया। कैसे हो गया सब? ये सब बेल पिशाचनी ने किया है। मुझे मालूम था कुछ गलत होने वाला, इसलिए मैंने कल रात को इन बिलों को काट कर जला दिया था। फिर से मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा। कौन है ये बेल पिशाचनी? हमारे परिवार ने इसको क्या बिगाड़ा है? बहुत समय पहले की बात है, बेला नाम की एक औरत सोना ठाकुर के घर में काम करती थी। बेला का पति गुजर चुका था पर उसे बच्चों से बहुत प्यार था। पर वैद्य ने बेला से कहा था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। फिर हमारी पत्नी को बच्चा तो हुआ पर इसमें प्राण नहीं है, इसे ले जाकर कहीं दफना दो। ले जाओ। बेला उस बच्चे को दफनाने ही वाली थी कि हे भगवान, इतने सालों से मेरी गोद सूनी थी, ये चमत्कार तूने मेरे लिए ही किया है ना? अब इसे मैं माँ का प्यार दूंगी, इसे मैं माँ का पूरा प्यार दूंगी, मेरा बच्चा। वो उस रात वो गांव छोड़कर चली गई और एक मंदिर में रहने लगी। बच्चे को बहुत बुखार हो गया
उसने वैद्य को दिखाया। वैद्य जी इसे देखिए ना क्या हुआ, कल रात से बहुत तकलीफ हो रही है। इसे माँ के दूध की जरूरत है, लगता है आपने इसे दूध नहीं पिलाया है। ठीक है, मैं इसे औषधि दे देता हूं, लेकिन इसे माँ का दूध जरूर पिलाना। बच्चा खोने के डर से बेला ने ना वैद्य को सच्चाई बताई और ना ही उस बच्चे को उसकी माँ के पास ले गई। पर उसने हर दवाई की, हर तरह का दूध पिलाया, पर बच्चा बचा नहीं। और इसी गम में उसने मंदिर के बाहर सांप के विष को काटने वाले जहरीले जंगल बेल की पत्तियां खा ली और अपनी जान ले ली। पर वो बेल का आंख जीवन रक्षा के काम आता था, इसलिए उसकी आत्मा ने उस बेल में मिलकर बेल पिशाचनी का रूप ले लिया। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों की जान खतरे में है, और आज रात चंद्र ग्रहण है, उस बेल पिशाचनी की शक्तियां चरम पर होगी और वो किसी भी तरह पीहू को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। पर हाँ, ये ताबीज आप अपने पास रख लीजिए, कम से कम इससे वो आपको जान से नहीं मार पाएगी। मेरी बात सुनो, मुझे सबसे पहले पीहू को अपने साथ ले जाना होगा। और वो पौधा कहाँ है? ये क्या किया तुमने? क्यों? वृंदा, इस पीहू की वजह से सब कुछ हो रहा। मेरी बहन को उस पिशाचिनी ने मार दिया। अब ये ताबीज पहन रखी है हमने, अब वो पिशाचिनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस चूहिया को तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। ये तावीज उनकी रक्षा नहीं करेगा जो पीहू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें कोई मेरे जितना प्यार नहीं करता, चलो मेरे साथ। पीहू, अगर तुम पीहू को अपने निश्चल प्रेम से पुकारोगी तो पिशाचिनी का भ्रम जाल पीहू के ऊपर से टूट जाएगा। तुम मेरी मम्मा नहीं हो। हाँ पीहू,
ये तेरी मम्मा नहीं है, ये तुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। प्लीज मत मारो मेरी मासी को। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, आओ मेरे पास। मेरे पास मत आओ, प्लीज मेरे पास मत। बेल पिशाचिनी को नष्ट करने का केवल एक उपाय है, उसके मूल बीज को भस्म करना। साथ ही रहोगी हमेशा।